Hi everyone, welcome to EduStep. Hope you all are doing well. So if you remember, we were talking about chapter 10, that is circles. इसमें हम अभी तक first three exercises finish कर चुके हैं. Now we are going to talk about the fourth exercise, and the topic that we are going to talk about today is equal chords and their distances from the center. ठीक है, तो अपनी नोटबुक्स और पेन्स आई होप आपने रेडी रखे हैं, तो जल्दी से मुझे बता दो what are chords. Answer the question and just put a tick mark if you know the answer properly. तो what are chords? All right. तो इसका क्या मतलब हुआ equal chords and their distances from the center में हम basically किस चीज़ की बात कर रहे हैं. Suppose we draw a circle and we draw two chords. One is AB and the other is CD. Right, and this is the center O. So we are talking about the distance of these chords from the center. तो AB अगर CD के equal होगा तो क्या इसका distance क्या होगा from the center? That is what we are going to talk about today. ठीक है, तो distance को हम basically कैसे measure करते हैं? It is always measured perpendicularly from the center. So the distance is the length of the perpendicular from a point to the line. ठीक है, तो suppose हमारी ये एक line है, right? और ये एक point है, तो अगर हमें इस point का distance measure करना है from this line AB, तो we are always going to measure it in terms of a perpendicular line 90 degree. और जो लाइंस होंगी अलग अलग जो इस पॉइंट को इन लाइंस के साथ इस लाइन AB के साथ में ज्वाइन कर रही हैं, इनकी लेंथ से हमें डिस्टेंस नहीं पता लगेगा. डिस्टेंस वी आर ऑलवेज गोइंग टू कम टू नो फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर. ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द कॉर्ड टू द सेंटर, एंड दैट इज व्हाट आवर डिस्टेंस इज फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं दैट आर बेसिकली बेस्ड ऑन टू थ्योरम्स. जो हमारा थ्योरम 10.6 है और 10.7. सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट दे मीन. बिफोर आई एम गोइंग टू आस्क यू अ लिटिल क्वेश्चन अगेन. टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डायमीटर. डिस्टेंस ऑफ डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. डिस्टेंस ऑफ डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. जल्दी आंसर लिखो नोटबुक्स में. And the answer is 0. Very, very good. All those who got the answer correct. और जिनका नहीं हुआ है please previous videos देखो अगर आपने नहीं देखे हैं तो. And even if you have seen them once, if your answer to this question was wrong, I think you need to see those videos again. ठीक है, तो previous videos देखो, अपने basic concepts of circles को clear करो. Right? ओके, सो थ्योरम 10.6 क्या बोलता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. तो अगर हमारे पास ये एक सर्कल है जिसकी दो कॉर्ड्स बना दी हमने, 1 और 2. सपोज ये ए बी है और ये सी डी है. तो अगर AB और CD हमारी इक्वल कॉर्ड्स हैं तो देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O, देयर डिस्टेंस फ्रॉम आर सेंटर O इज गोइंग टू बी इक्वल. मतलब LO इज गोइंग टू बी इक्वल टू MO. ठीक है, समझ आ गई. परपेंडिकुलर है ये, दिस एंगल ALM and this angle CML are perpendicular. ठीक है, ये 90 degree angle है. हमें पता है कि distance हम कैसे calculate करते हैं, by drawing a perpendicular. ठीक है, तो ये theorem क्या बोल रहा है कि equal chords of a circle और of congruent circles. मतलब यहाँ हमने एक circle की बात की है, अगर हम दो अलग अलग circles की बात करते हैं और उस पे दो equal, ये दोनों सर्कल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं और इन पे हम दो कॉर्ड्स बनाते हैं जो आपस में इक्वल हैं, तो दे आर गोइंग टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये क्या है? ये रिवर्स है उस वाली हमारी थ्योरम की। इट इज़ द कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 10.6। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सपोज वी ड्रॉ टू कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो हमारी कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारी दोनों थ्योरम्स। तो यू हैव टू कीप इन माइंड बोथ ऑफ देम टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अहेड इन दी एक्सरसाइज। ठीक है, तो मूव करते हैं 10.4 एक्सरसाइज पे। लेट अस सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 10.4। और ये क्वेश्चन क्या बोलता है? Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points। ठीक है, तो हमारे दो सर्कल्स हैं, एक ये बड़ा सर्कल और एक ये छोटा सर्कल। तो ये वाला जो हमारा सर्कल है बड़ा वाला, इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस है wait just one minute, इसकी हमारी रेडियस क्या दी हुई है guys? The radius has been given to us as 5 centimeter। ठीक है, और जो ये हमारा बड़ा वाला सर्कल है, सॉरी छोटा वाला सर्कल है, इसकी रेडियस हमें गिवन है 3 centimeter। ठीक है, 3 सेंटीमीटर्स। नीचे भी सिमिलर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, 5 and 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो इनको नेम कर लेते हैं ए ओ, O dash and B। ठीक है, राइट। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दीज आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। वो हम कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू इनिशियली प्रूव दैट O dash A square, that is this line, sorry, OA square, OA square जो ये वाली लाइन है हमारी is going to be equal to O dash A square plus O dash O square। ठीक है, ये प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले वैल्यू देखो, लेट अस फर्स्ट पिक अप द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? ओ ए स्क्वायर। ओ ए की क्या हमारी डायमेंशन है? ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, है ना। तो ओ ए स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर। क्या होता है 5 का स्क्वायर? जल्दी जल्दी लिखो नोटबुक्स में। यस, 25। तो ए स्क्वायर हो गया हमारा 25। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी? ओ डैश ए स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ स्क्वायर। ओ ए की क्या वैल्यू है? ओ ए इज 3 सेंटीमीटर्स। तो 3 का स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो जल्दी जल्दी टोटल करो वीडियो पॉज करके। Our total is going to come out to be 9 plus 16 which is equal to 25। तो hence हमारा प्रूव हो गया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है that is equal to the right hand side, है ना। तो ये हमारी 90 डिग्री हो गई। अब देखो कि which is the longest side। हमको ये पता है कि the angle opposite to the longest side in a right angle triangle is the right angle। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 5, एक 4 हो गई और एक 3 हो गई। तो दिस which is opposite to OA is going to be our right angle. तो ये हमारा right angle है, ठीक है। Similarly, अगर हम OB dash जो हमारा next triangle है नीचे वाला, that is O, O dash B, उसमें भी हम सेम चीज प्रूव करेंगे। To prove that OB square is equal to O dash B square plus OO dash square, ठीक है। सेम चीज प्रूव करेंगे हम इसमें भी। और जब हम ये चीज प्रूव कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जो ये वाला हमारा एंगल है OO dash B, ये भी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, है ना। हमें पता है ना कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो हमारा एंगल AO dash O is equal to 90 degree and angle BO dash O is also equal to 90 degree, है ना। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। एडिंग ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, एडिंग 1 and 2, एंगल AO dash O प्लस एंगल BO dash O इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, है ना। अब ये एंगल क्या बन गया हमारा टोटल, एंगल AO dash B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारी लाइन है, दिस लाइन AB दिख रही है ना, ये लाइन आपको AB, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। हमने प्रूव कर दिया कि 180 डिग्री है एंगल्स हमारे, तो देयरफॉर AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तब हमें फाइनली इसमें ढूंढना क्या था, हमें कॉमन कॉर्ड ढूंढनी है। और यही जो हमारी OB है, ये हमारी कॉमन कॉर्ड है। इसको डायग्राम को हम दोबारा बनाते हैं। ये देखो, ये सर्कल 1, ये सर्कल 2, राइट, एंड दिस इज आवर कॉमन कॉर्ड AB, है ना। AB हमारी कॉमन कॉर्ड है। तो जब AB हमारी कॉमन कॉर्ड है तो हमें पता है, यहाँ से देखो AO डैश की क्या वैल्यू थी, 3 सेंटीमीटर, वैसे ही O डैश B की क्या वैल्यू थी, 3 सेंटीमीटर। तो AB इज इक्वल टू AO डैश प्लस BO डैश। अब दोनों की वैल्यूज हमें पता है, 3 plus 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या आ गई, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज वीडियो। कल हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो यू विल गेट नोटिफिकेशंस of all the lessons that we put pertaining to maths and science, right? So please don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.